यूनिट फोर में सेकंड टॉपिक है हमारा थिन लीनियर एंटेना। तो थिन लीनियर एंटेना और उसके बाद रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई टू एंटेना, ये दो टॉपिक्स हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। शुरुआत करें थिन लीनियर एंटेना से। तो थिन लीनियर एंटेना में हम लोग थिन दैट मीन्स जो वायर है, जिस वायर से वो एंटेना बना है, अगर मैं सिंपल लीनियर एंटेना की बात कर रहा हूँ, तो एक सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जो एक वायर होगा, और उस वायर की जो थिकनेस होगी, वो थिकनेस की वैल्यू जो है वो लगभग लगभग जो भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो भी फ्रीक्वेंसी वो रेडिएट कर रहा होगा फ्री स्पेस में, उसकी लगभग लगभग 100 टाइम्स कम होगी। तो अगर मैं उसकी जो डायामीटर है, वो डायामीटर यानी थिकनेस उस वायर की थिकनेस को बहुत छोटा कर दूंगा एज कम्पेयर टू द ऑपरेटिंग वेवलेंथ, दैट मीन्स नेग्लिजिबल स्मॉल, वो मेरा थिन लीनियर एंटीना माना जाएगा। तो थिन लीनियर एंटेना में अगर मैं बात करूं करंट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कई सारे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड मोस्ट इफेक्टिवली यूज करंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एटलीस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पजेज और फॉर डेरिवेशन पर्पजेज इज लाइक द साइनोसॉइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो साइनोसॉइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वहां पर होता होगा, अगर मैं इस फिगर के थ्रू देखूं, तो इस फिगर के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैं उसको यहाँ सेंटर से फीड कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो जैसे साइन वेव होती है, फर्स्ट हाफ इज कम्प्लीटली डोमिन या अवेलेबल इन दी अपर हाफ ऑफ दी थिन लीनियर एंटेना, डाइपोल एंटेना, और जो सेकेंड वाला हाफ है वो सेकेंड वाली वेव उसकी ऑपोजिट होगी, यानी इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, बट नीचे की तरफ वो जो फील्ड इंटेंसिटी या करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, मतलब पहले वाले का ऑपोजिट। तो ये आप देख सकते हो, करंट आर इन फेज ओवर ईच लैम्डा बाई टू सेक्शन, मतलब जो भी सेक्शन है उस आधे सेक्शन में, किसी भी ऑपरेटिंग वेवलेंथ की करेस्पॉन्डिंग जो सेक्शन है उसके आधे सेक्शन में सेम फेज में होगा जो मेरा करंट है, और ऑपोजिट फेज में होगा दूसरे सेगमेंट के अंदर। ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखूं तो मैग्नीट्यूड करंट का किस कैसे डिराइव करेंगे, वो होगा आई नॉट इंटू साइन बीटा टाइम्स एल बाई टू प्लस माइनस जेड। आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस जेड, मतलब जेड की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर बीटा प्लस जेड होगा, बीटा एल बाई टू प्लस जेड होगा, एल बाई टू मतलब ये टोटल एल बाई टू, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से एल बाई टू प्लस जेड ऑब्वियसली, ठीक है, और एल बाई टू माइनस जेड मतलब नीचे वाली वैल्यूज पर ये निगेटिव होगा। अब अगर मैं रिटार्डेड करंट देखूँ तो रिटार्डेड करंट कैसे होगा, मैं ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी वाला वैल्यू इंक्लूड कर दूंगा इसके अंदर, और मैं यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात ना करके मैं अगर रिटार्डेड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देना चाहूँ तो वो कितनी होगी, ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी में मल्टीप्लाई कर दूंगा, साथ में पूरा का पूरा करंट वैल्यू वही रहेगी जो थी। तो आई नॉट इंटू साइन बीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 पाई बाई लैम्डा में, और अगेन एल बाई टू प्लस माइनस जेड ये तो यहाँ रहेगा ही, है ना। अब अगर मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखूँ तो अगर लैम्डा बाई टू है तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो आधी साइकिल ऊपर वाले में और उसकी ऑपोजिट वाली साइकिल आधी अगेन नीचे वाले में। ठीक है, अगर 3 लैम्डा बाई 4 है तो ऑब्वियसली फर्स्ट थर्ड थ्री फोर्थ ऑफ साइकिल फर्स्ट हाफ में आ गया और उसका ऑपोजिट सेकेंड हाफ में 3/4 साइकिल आ गई। अगर मैं लैम्डा में देखूं तो आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि फर्स्ट साइकिल करंट डिस्ट्रीब्यूशन की साइकिल साइन वेव कुछ ऐसी होती है ना, और सेकेंड वेव में ऐसे होती है तो वो पूरी की पूरी साइकिल उसके ऑपोजिट फेज में मतलब ऐसे ही आ जाएगी। सिमिलरली अगर 5 लैम्डा बाई 4 है तो एक आधी कंप्लीट साइकिल प्लस उसका चौथाई पोर्शन का भी आधा 1/8 पोर्शन यहाँ, और ऐसे ही आधी पूरी साइकिल यहाँ और उसका चौथाई पोर्शन 1/8 मतलब यहाँ, एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर आप 3 लैम्डा बाई 2 के लिए तो 1/2 ऑफ साइकिल एंड हाफ ऑफ द साइकिल इज ऑल्सो एसोसिएटेड इन द पॉजिटिव डाइपोल। ठीक है, और निगेटिव वाली साइड में ऑपोजिट होगी इसकी, तो ऑब्वियसली करंट डिस्ट्रीब्यूशन अब इधर की तरफ से शुरू होगा क्योंकि अब मेरे पास 3 लैम्डा बाई 2 मतलब 1.5 साइकिल्स हैं। तो 1.5 में अगर ये इधर से शुरू हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये भी इधर से ही शुरू होगी, ऑपोजिट है क्योंकि, है ना, ये ऑपोजिट वाला साइड होगा। सिमिलरली अगर मैं 2 लैम्डा की बात करूँ तो मेरे पास एक साइकिल ऊपर पूरी इधर और दूसरी ऑपोजिट साइकिल पूरी इधर, तो ये ऑपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव वाले में अगर प्लस में मान रहा हूँ, मतलब ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो जेड पॉजिटिव है उस डायरेक्शन में अगर मैं साइकिल में यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मान रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट वाली साइड में उसके नीचे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में
मेरी साइकिल जो है वो ऑपोजिट फेज में होगी। अब हम बात करते हैं इसकी फील्ड्स की। तो फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी दो एक्सप्रेशंस हैं, ई थीटा और ई फाई के। मैं ई थीटा और ई फाई ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है हमने पावर कैलकुलेशन के लिए ई थीटा और एच फाई ही यूज़ करा था। और अगर मैं बात करूँ कि मैं फार फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ केवल, तो फार फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे केवल और केवल इसका वाला कॉम्पोनेंट चाहिए जहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर उस फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। दैट मीन्स जो 1/r का फंक्शन है, यानी ये वाला पोर्शन और एच वाले में ये वाला पोर्शन, ये दो पोर्शन मैं अपना ई थीटा और एच फाई को यूज करूंगा पूरे एंटायर इंटीग्रेशन करने में, अपने फील्ड में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये दोनों ई थीटा और एच फाई, ये दोनों है मेरे शॉर्ट डाइपोल में। यहाँ पर मेरा डी जो है वो बहुत स्मॉल शॉर्ट लेंथ थी, शॉर्ट डिस्टेंस थी। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर थिन लीनियर एंटीना, इट कुड बी लॉन्ग, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ज़्यादा अगर होगी तो ऑब्वियसली उस ज़्यादा के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट डाइपोल वाला तो इस्तेमाल कर नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, उस शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो फील्ड मैंने कैलकुलेट करी थी, उस फील्ड को ओवर द टाइम, ओवर द लेंथ ऑफ द कंप्लीट डाइपोल, उसके लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। और फिर उस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को जो भी सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी डिनोटेड, दैट विल बी एक्चुअली दी फील्ड। तो चूंकि मैं शॉर्ट डाइपोल की फील्ड्स यूज कर रहा हूँ, ये फील्ड्स ऑफ शॉर्ट डाइपोल हैं, फील्ड्स ऑफ शॉर्ट डाइपोल हैं, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों में से बेसिकली ई थीटा और ई फाई इन दोनों को यूज करूंगा, तो ये थिन लीनियर एंटीना के लिए क्या हो जाएगा, डी ई थीटा और डी एच फाई हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फार फील्ड में कैलकुलेट कर रहा हूँ केवल, तो ओनली फार फील्ड कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो फार फील्ड कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, फार फील्ड डिफरेंशियल कंपोनेंट्स यू कैन से, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो मैं लिख रहा हूँ सीधे सीधे यहाँ पे, एक डी ई थीटा और एक डी एच फाई, ठीक है। क्या होगा, देखो आप, यहाँ पर मेरा है पूरा का पूरा आई नॉट डी, ये तो पूरा आएगा ही आएगा एज इट इज, है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ आई नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्साइलन इनटू, है ना, जे मैं इधर ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला जे आएगा, ये वाला जे आएगा, है ना, ये वाला जे तो मैंने बाहर ले लिया, ओमेगा अपॉन वी स्क्वायर आर, ये मेरा कॉम्पोनेंट आ जाएगा। और उसके बाद ई की पावर जी ओमेगा टी को हम एस्केप कर सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी बार बार आएगा ही, तो इसको लिखने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो डी है, ये डी मेरी क्या है, उस डाइपोल की लेंथ थी। चूंकि मैं डिफरेंशियल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशियल कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो उस डिफरेंशियल कॉम्पोनेंट की वजह से ये जो डी था ना, ये वाला डी, ये डी मेरा डिफरेंशियल एलिमेंट बन जाएगा। और डिफरेंशियल एलिमेंट करंट का कहाँ पर रखा है, जेड डायरेक्शन में रखा है ना। तो ये मेरा डी ई थीटा आ गया, डिफरेंशियल अमाउंट फील्ड आ गई मेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड फार फील्ड कंपोनेंट, और ये उस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के की वजह से आ गया। सिमिलरली जो मेरा डी एच फाई होगा वो क्या होगा, अगेन दिस विल बी, यहाँ पे भी जे है ना, तो मैं बाहर ले सकता हूँ जे आई नॉट साइन थीटा, है ना, और उसके बाद ई की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर वाई वाला, इसके ये तो स्किप कर ही देंगे हम, डिवाइड बाई 4 पाई, है ना, और ये आर वी मतलब वी इंटू आर, और यहाँ पे एक ओमेगा और आएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन प्लस डी। डी की वैल्यू क्या करेंगे हम, डी की वैल्यू को रख देंगे अगेन डी जेड, क्योंकि मेरा जो डाइपोल है वो कहाँ रखा है, वो रखा है मेरा कहाँ, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस को मैं फर्दर सॉल्व कर लूंगा, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने ई थीटा ले लिया, डी ई थीटा, है ना, तो इस कॉम्पोनेंट को मैं आगे इस्तेमाल करूंगा। डी ई थीटा की वैल्यू को मैं कुछ और सिंप्लीफाई करके इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा कुछ भी नहीं है ना, तो मैं चूंकि जब भी बात कर रहा हूँ थिन लीनियर एंटीना, और थिन लीनियर एंटीना में स्पेशलिटी ये है कि वो लैम्डा जो है वो उसकी लेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना है ना, और उसकी डायमीटर के करस्पॉन्डिंग कितना है, वो थिन लीनियर एंटीना में मुझे ऑब्वियसली लैम्डा के फंक्शन की तरह ही फील्ड्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस एक्सप्रेशन को, इन दोनों एक्सप्रेशन को मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब अगर मैं
ई थीटा देखूं, डी ई थीटा, तो डी ई थीटा क्या आया था मेरा, डी ई थीटा आया था आई साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्साइलन वी स्क्वायर आर, है ना, और साथ में आया था डी जेड, है ना, एक जे ओमेगा आया था, जे ओमेगा और डी जेड, ये पूरा कंपोनेंट था। अब मैं क्या करूं, सबसे पहले तो मैं इस ओमेगा को रखूं 2 पाई एफ, है ना, तो अगर मैं इसको रखता हूं 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा जे इंटू 2 पाई एफ, ठीक है, आई साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्साइलन वी स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब एफ अपॉन वी, एक ये वाला वी मैं सेपरेट कर लूंगा, ठीक है, तो मुझे पता है क्या होता है, एफ अपॉन वी इक्वल्स टू, भाई वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, वी या सी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, स्पीड ऑफ द लाइट से कंपेयर कर लो, वी मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम में, है ना, तो दिस इज बेसिकली अ रिलेशन दैट वी नो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इस एफ बाई वी का रिलेशन निकालूं, इन दोनों का रिलेशन निकालूं, तो वो क्या होगा, है ना, एफ बाई वी इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, है ना, तो एक एफ बाई वी मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा जे इंटू, देखो 2 पाई से आप 4 पाई 2 टाइम्स काट सकते हो, तो अननेसेसरी बार बार आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई साइन थीटा डिवाइड बाई 2 एप्साइलन, ठीक है, एक वी और आर आप यहां रख दो, और एक एफ बाई वी जो बचा उसको आपने क्या लिख दिया, 1 अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा जे इंटू आई साइन थीटा अपॉन 2 एप्साइलन वी इंटू आर इंटू लैम्डा, है ना, और साथ में डी जेड तो चल ही रहा था, तो डी जेड तो लिखना हम नहीं भूल सकते, ऑब्वियसली डी जेड रहेगा ही, ठीक है, ये मेरा आ गया पूरा का पूरा इसकी वैल्यू। अब मेरे को एक वी बच रहा है ना, ये वी मेरा मीडियम का फंक्शन होता है ना, और ये आपको पता है क्या इतना होता है, वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन, ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, है ना, तो अगर मैं ये म्यू अपॉन एप्सिलॉन यहां पर रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये मेरा बचेगा जे इंटू आई साइन थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन, वी की जगह मैंने रख दिया अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा आर एज इट इज, और यहाँ पर लैम्डा एज इट इज डी जेड, ठीक, अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन, अगर मैं इस वाले एप्सिलॉन को देखूं तो ये एप्सिलॉन की पावर 1 है, और ये वाले एप्सिलॉन की पावर 1/2 है, और ये दोनों डिवाइड कर सकते हैं हम, तो अल्टीमेटली अगर मैं इस वाले को अंदर लेकर के जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, तो दिस विल बिकम जे टाइम्स आई साइन थीटा अपॉन 2 अंडर रूट म्यू एप्साइलन स्क्वायर अपॉन एप्साइलन, एप्साइलन से एप्साइलन कट जाएगा, आर एज इट इज, लैम्डा एज इट इज और डी जेड एज इट इज, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्साइलन, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्साइलन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपको पता है कि 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू एप्साइलन, ये होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, जिसको हम किसी जेड नॉट या ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर मैं म्यू नॉट और एप्साइलन नॉट की बात करूं फ्री स्पेस में, ठीक है, फॉर फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 120 पाई, तो आप डायरेक्टली इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 120 पाई, सो दिस विल बिकम जे टाइम्स आई साइन थीटा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 120 पाई, ठीक है, 2 से 120 60 टाइम्स कट जाएगा, आर नीचे रहेगा, लैम्डा नीचे रहेगा और डी जेड तो है ही, तो अल्टीमेटली ये जो मेरा डी ई थीटा था, वो डी ई थीटा क्या हो जाएगा, डी ई थीटा विल बिकम जे टाइम्स कितना, 60 पाई ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 60 पाई, ठीक है, और अब क्या बचेगा, अब बचेगा आई साइन थीटा डी जेड अपॉन आर इंटू लैम्डा, ये मेरा क्या आ गया, डी ई थीटा आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग एच फाई भी निकाल सकते हैं। एच फाई को निकालने का एक और तरीका है, क्योंकि मुझे पता है ई थीटा अपॉन एच फाई, ये मेरा फ्री स्पेस में कितना होता है, 120 पाई, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ द फ्री स्पेस, तो अगर मुझे ई थीटा पता है
तो मैं एच फाई की वैल्यू निकाल सकता हूं कैसे, ई थीटा अपॉन 120 पाई। तो एच फाई का कंपोनेंट निकालने के लिए मुझे ई थीटा पता होना चाहिए, कितना था ई थीटा, जे 60 पाई आई साइन थीटा डी जेड ओवर आर लेमडा, है ना, ये था। अब यहाँ पे अगर मैं क्या रख दूँ, यहाँ पर अगर मैं इसकी, ये तो ई थीटा की वैल्यू हो गई पूरी की पूरी, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 120 पाई से, तो ऑटोमेटिकली 120 पाई से 60 पाई 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एच फाई इस केस में क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी जे आई साइन थीटा डी जेड अपॉन 2 आर लेमडा, ठीक है, ये मेरा एच फाई वाला कंपोनेंट आ जाएगा। अब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, देखो ये सॉरी एच फाई नहीं डी एच फाई आ जाएगा, क्योंकि मैं डिफरेंशियल एलिमेंट डी जेड के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ। इस रिलेशन को मैंने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे डी ई थीटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो चूंकि मुझे फील्ड निकालनी है थिन लीनियर एंटीना की, ठीक है, फील्ड ऑफ थिन लीनियर एंटीना, उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली मैं इस वाली फील्ड को या ई थीटा डी ई थीटा वाली फील्ड को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द लेंथ ऑफ द थिन लीनियर एंटीना। और लेंथ मैंने क्या माना था, लेंथ मैंने मानी थी -L/2 से लेके L/2 तक। तो अगर मुझे एच फाई निकालना है तो बेसिकली मैं क्या करूं, मैं डी एच फाई को ओवर द -L/2 to L/2 इस लिमिट में इंटीग्रेट कर दूं, या फिर अगर मुझे ई थीटा निकालना है तो मैं ई थीटा के लिए -L/2 से लेके L/2 तक डी ई थीटा को इंटीग्रेट कर दूं। इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर लो तो आपको ई थीटा और एच फाई फील्ड्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको कोई भी एक निकालना है, क्यों, क्योंकि कोई भी एक निकाल लोगे तो ऑब्वियसली इस रिलेशन से आपको दूसरी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सो देयर इज नो नीड टू गो एंड कैलकुलेट टू डिफरेंट फील्ड्स, ओनली हमें एक फील्ड निकालनी है और उस फील्ड को निकालने के बाद हमें दूसरी वाली फील्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम शुरू कर लेते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट एच फाई से, है ना। तो एच फाई का अगर डिफरेंशियल एलिमेंट मैं इस्तेमाल करूँ तो उसको इंटीग्रेट कर दूँ -L/2 से L/2 तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एच फाई की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो डी एच फाई को मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया, और डी एच फाई की वैल्यू कितनी थी, पहले तो -L/2 से L/2 लिमिट लगाओ, और डी एच फाई की वैल्यू थी जे टाइम्स आई साइन थीटा अपॉन 2 आर लेमडा इंटू डी जेड, ठीक है। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फिगर दिखाई थी, है ना, डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक, ये अगर साइनोसॉइडल डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का तो वो कुछ इस टाइप से होगा। अगर इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो मेरी कितनी है, फॉर एग्जांपल सेंटर से वो डिस्टेंस होती है डिस्टेंट पॉइंट के लिए आर, तो पहले वाले के लिए आर वन है, दूसरे वाले के लिए आर टू अगर मैं मान लूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट की वजह से, स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो इस पॉइंट की वजह से अगर मैं डिस्टेंस लूँ आर वन, तो वो कितना होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स मुझे अगर फील्ड निकालनी है एच फाई पे इस टॉप ऑफ द थिन लीनियर एंटीना, तो यहाँ पर मुझे आर की जगह आर वन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आर की जगह आर वन यूज कर रहा हूँ, ये वाला आर वन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक। अब मैं जो जो चीज़ें कॉमन है, जो जो चीज़ें कॉन्स्टेंट है, उनको बाहर ले लूँ, तो जे कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जेड के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो साइन थीटा भी कॉन्स्टेंट होगा, इसको भी बाहर ले लो, ठीक है, और मेरा टू कांस्टेंट है और लैम्डा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं हम, ठीक है। अब मैं आई की वैल्यू रखता हूँ इंटीग्रेशन -L/2 से लेके L/2 तक, आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी आई नॉट साइन 2π/λ इंटू L/2 ± z, है ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और रिटार्डेड वाली करंट का फैक्टर भी आएगा, मतलब बी की पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी भी आएगा, जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी भी आएगा, ठीक है। और इसको डी जेड के अलोंग आपने इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां से मैं इस आई नॉट को भी बाहर ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा थोड़ा सा इधर से शुरू कर लेते हैं, जे टाइम्स आई नॉट साइन थीटा अपॉन 2 लैम्डा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा,
यहाँ पर जो आर था इस रिटार्डेड टाइम में, उसमें मैं आर वन वाली वैल्यू लूंगा, मतलब ये आर वैल्यू यहाँ पर भी मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। माइनस एल बाई टू से एल बाई टू इंटीग्रेट कर लिया, साइन 2 पाई बाई लैम्डा एल बाई टू प्लस माइनस जेड इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा आर वन बाई वी डी जेड। मैंने इस ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर वन बाई वी को दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको दो पार्ट्स में सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। एक जीरो से लेकर के एल बाई टू और एक जीरो से लेकर माइनस एल बाई टू, क्योंकि ये प्लस जेड पॉजिटिव वाले के लिए आएगा और माइनस जेड निगेटिव वाले के लिए आएगा, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, माइनस जेड पॉजिटिव वाले के लिए आएगा और प्लस जेड निगेटिव वाले के लिए आएगा। तो इसको दो, इसको तो कॉन्स्टेंट, इसको एज इट इज लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये एज इट इज, यहाँ एज इट इज लिखा है। अब मैं माइनस एल बाई टू से लेके जीरो और जीरो से लेके एल बाई टू, ये दो पार्ट में इसको ब्रेक करके लिख दे रहा हूँ, और साथ में ई की पावर जी ओमेगा टी कॉन्स्टेंट बाहर ले सकता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा किसका, ये मेरा डिस्टेंस जेड का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल बाई टू प्लस जेड, निगेटिव साइन है तो यहाँ प्लस जेड आएगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा आर वन बाई वी डी जेड। और दूसरा क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दो, एल बाई टू माइनस जेड, निगेटिव वैल्यू है, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा आर वन बाई वी अगेन डी जेड। और इस कोफिशियंट में मैं ई की पावर जे ओमेगा टी, ये जो आया था ना, ये वाला ये ऑलरेडी मैं बाहर मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये एच फाई की वैल्यू ही चल रही है। तो एच फाई को हम सॉल्व कर रहे हैं, एच फाई की वैल्यू कितनी है, ऑब्वियसली जे इंटू आई नॉट साइन थीटा, ये कॉमन था, डिवाइड बाई टू लैम्डा कॉमन था, ई की पावर जे ओमेगा टी भी मैंने कॉमन ले लिया था। उसके बाद दो पोर्शन थे, माइनस एल बाई टू से लेके जीरो और जीरो से लेके एल बाई टू, ठीक है। तो वन बाई वन एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नीचे पोर्शन में आर वन भी था, ठीक है, तो समथिंग डिवाइड बाई जो डिस्टेंस थी आर, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आर वन आ जाएगा, और दूसरे वाले जीरो से एल बाई टू वो डिस्टेंस नीचे कितनी थी, आर वन, ठीक है, डी जेड के अलॉन्ग वी आर इंटीग्रेटिंग इट नाउ। अब अगर मैं इसको देखूं तो आर वन को इन जनरल आर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो अगर मैं इस इमेज को दोबारा देखूं, है ना, ये फॉर एग्जांपल मैंने आर वन माना था और ये वैल्यू मेरी आर थी, है ना, अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं, है ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इस आर वन और आर में यही डिस्टेंस एक्स्ट्रा होगी टू द डिस्टेंट पॉइंट पी, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर ये वाला एंगल थीटा होता ही है, ये वाली वैल्यू अगर मानो कि ये जेड डिस्टेंस है ना, हाइट है, तो जेड डिस्टेंस मान सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन से कि आर वन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी आर माइनस जेड कॉस थीटा, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी है, जेड कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस आर वन में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे आर मिल जाएगा। अब जहां जहां आर वन है, यानी ये आर वन है और ये आर वन है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां पर मैं लिख सकता हूँ आर माइनस जेड कॉस थीटा। सिमिलरली यहां पर भी मैं लिख सकता हूँ आर माइनस जेड कॉस थीटा। अब एक चीज और है, वो ये कि जो साइन वाला फंक्शन था, साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल बाई टू प्लस जेड, इसके साथ में जो एक्सपोनेंशियल था ई की पावर माइनस जे ओमेगा आर वन बाई वी, तो यहाँ पर आर वन की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, आर वन की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस जेड कॉस थीटा अपॉन वी। सिमिलरली
साइन वाला फंक्शन तो सेम रहेगा, दोबारा नहीं लिख रहा मैं, यहाँ प्लस एल बाई टू माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख ही देते हैं पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। और साथ में ई की पावर माइनस जे ओमेगा, और यहाँ पर आर वन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर माइनस जेड कॉट थीटा अपॉन वी, ठीक है। ये वैल्यू हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखो, जब भी मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड में आर वन और आर इतना रेशियो का डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आर वन लूँ डिवाइड करके, चाहे आर लूँ, ठीक है, ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है जेड कॉस थीटा, है ना, ये डिस्टेंस डिस्टेंट पॉइंट के लिए, अगर मैं किलोमीटर दूर जाऊँ तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो मिलीमीटर्स में होगी, हो सकता है शायद और छोटी हो, ठीक है। लेकिन वो डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो किलोमीटर के करिस्पॉन्डिंग मिलीमीटर या सेंटीमीटर, इवन मीटर्स भी बहुत छोटा होगा। वैसे केस में मैग्नीट्यूड में इस डिस्टेंस का असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फील्ड यहाँ से जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो फील्ड डिस्टेंट पॉइंट पर बनेगी, और कोई दूसरी डिस्टेंस से जनरेट होने वाले, सपोज यहाँ से कोई जनरेट हो रहा है, उसके की वजह से फील्ड बनेगी, तो उन दोनों में इस पाथ डिफरेंस की वजह से कोई ना कोई फेज डिफरेंस आएगा। तो फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। और फेज डिफरेंस अगर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चाहे आर वन लिखो चाहे आर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको आर लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस आर वन को यहाँ पर आर लिख दूँ, और इस वाले आर वन को भी आर माइनस जेड कॉस थीटा की जगह क्या लिखूँ, आर लिख दूँ, तो ये वाला आर और ये वाला आर ऑब्वियसली इन दोनों ही इंटीग्रेशन से बाहर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, दिस विल बिकम जे आई नॉट साइन थीटा डिवाइड बाई 2 लैम्डा इंटू आर ई की पावर जे ओमेगा टी। देखो ई की पावर माइनस जे ओमेगा आर बाई वी यहाँ पे भी है, और ई की पावर माइनस जे ओमेगा बाई आर ओमेगा आर बाई वी यहाँ पे भी है ना, लेकिन ये थीटा का फंक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस जे ओमेगा आर बाई वी, ठीक है। अब क्या बचा, अब केवल और केवल दो इंटीग्रेशन बचे, और बहुत सिंपल हो गए, माइनस एल बाई टू से लेके 0 साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल बाई टू प्लस जेड इंटू ई की पावर, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी जे जे ओमेगा जेड कॉस थीटा अपॉन वी, ठीक है, डी जेड। और एक दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा, इसको कांस्टेंट ले लो बाहर, है ना, प्लस दूसरा बनेगा 0 से लेके एल बाई टू, दिस विल बी साइन 2 पाई बाई लैम्डा एल बाई टू माइनस जेड ई टू द पावर जे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है ऑलरेडी, तो दिस विल अगेन बी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा जे ओमेगा बाई वी जेड कॉस थीटा डी जेड, ठीक है। अब मुझे ये ब्रैकेट मैं क्लोज कर दूंगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दूंगा। अब मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो इंटीग्रेशन की यूनिवर्सल आइडेंटिटीज हैं ऐसे फंक्शंस के लिए, उनको इस्तेमाल करेंगे, कैसे वो देखते हैं। तो इस जैसी एक आइडेंटिटी होती है, जिसको हम समराइज करके शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स, है ना। तो जो इसका सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में दो वैल्यूज आती हैं, ए साइन बी इंटू सी प्लस बी माइनस बी कॉस बी इंटू सी प्लस सी, ठीक है। अगर मैं उस एक्सप्रेशन को यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है, तो मैं और फिर लिमिट लगा दूँ 0 से एल बाई टू या माइनस एल बाई टू से 0, तो मैं एच फाई की वैल्यू को कुछ इस तरीके से ओपेन कर सकता हूँ, जे आई नॉट, ठीक है, ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी। थोड़ा सा ही सिंप्लीफिकेशन, मतलब बहुत आसान सा है, आप ए और बी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो, 2 पाई आर डिवाइड में आ जाएगा,
और क्या चीज बचेगी, ये बचेगा कॉस बीटा एल बाई टू कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा एल बाई टू, ठीक है, डिवाइड बाई यहां बचेगा साइन थीटा। सिमिलरली अगर एच फाई मुझे पता है तो मैं ई थीटा भी निकाल सकता हूँ। ई थीटा कैसे हो जाएगा, 120 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा 60 टाइम्स, तो ये हो जाएगा जे इंटू 60 आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस आर बाई वी, ठीक है, डिवाइड बाई टू, 2 पाई तो नहीं आएगा खाली आर, ठीक है, और ये हो जाएगा साथ में आगे तो एज इट इज रहेगा कॉस बीटा एल बाई टू कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा एल बाई टू और डिवाइड बाई साइन थीटा। तो आपने ये दोनों ही फील्ड के एक्सप्रेशंस ई थीटा और एच वाई इस एक्सप्रेशन से थोड़ा सॉल्व करके निकाल लिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं ई की पावर ए एक्स को देखूं और अपने टर्म में जो ई की पावर थी उसे कंपेयर करूं, तो आप ए को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। मैं डी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ई की पावर ए एक्स मतलब बाकी जो भी बचा मेरे पास, ई की पावर में क्या था, ई की पावर में था जे ओमेगा बाई वी जेड कॉस थीटा। अगर मैं इसको ई की पावर ए एक्स से कंपेयर करूं, ठीक है, तो मेरा ए कितना आएगा, ए आ जाएगा मेरा कितना, जेड हटा दो बाकी सब कुछ आ जाएगा, है ना, तो जे ओमेगा बाई वी कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं बी को देखूं तो मेरा बी कितना है, बी था मेरा साइन बी, है ना। अब देखो क्या था, ये आ रहा था, चलो इसको देखते हैं, साइन 2 पाई बाई लैम्डा एल बाई टू, है ना, और 0 से 2 बाई माइनस एल बाई टू से 0 वाले के लिए देख रहे थे, यहाँ पर प्लस था, प्लस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू जेड, यही तो था, ठीक है। ये वैल्यू मैं अगर कंपेयर करूँ साइन ए एक्स प्लस बी से, साइन बी एक्स प्लस सी से, तो साइन बी एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो मुझे बताओ बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी। बी की वैल्यू वो होगी जो मेरा वेरिएबल के साथ आ रहा है, वेरिएबल के साथ कौन सा आ रहा है, ये, यानी मेरा बी कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा, और सी कितना होगा मेरा जो भी चीज एक्स्ट्रा है, वो जो भी चीज बच रही है ऐड होने के बाद, वो सारी की सारी वैल्यू, यानी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल बाई टू। तो ये मेरी वैल्यूज होंगी, ए बी सी की वैल्यूज मैंने आइडेंटिफाई कर ली है, जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो ऑलरेडी मैं जो ई थीटा और एच वाई वाले एक्सप्रेशन हैं वो आइडेंटिफाई कर लूंगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग ई थीटा और एच वाई को डिराइव कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी रहेगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आपका यही आएगा। अब इसकी डिटेल में स्टडी करने के लिए इसके कई सारे केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस है फॉर एग्जांपल, जब मेरे इसकी लेंथ, डाइपोल की लेंथ है वो ऑपरेटिंग वेव लेंथ का आधा है, तो अगर ऐसा है दैट मीन्स लेमडा बाई टू है, लेमडा बाई टू के लिए मैं ई थीटा जो था मेरा वो ये था, है ना, जे 60 आई नॉट डिवाइड बाई आर कॉस बीटा एल कॉस थीटा डिवाइड बाई टू माइनस कॉस बीटा एल बाई टू, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बीटा को देखूं तो बीटा कितना होता है, बीटा होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, तो एल मेरी डिस्टेंस है, एल की वैल्यू लैम्डा बाई टू, थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा एल कॉस थीटा, 2 पाई बाई लैम्डा एल कॉस थीटा, और एल की वैल्यू कितनी है, लैम्डा बाई टू, यानी लैम्डा बाई टू हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा, और ये पूरा का पूरा कॉस के साथ है, ठीक है, डिवाइड बाई टू, ठीक है, माइनस कॉस अगेन 2 पाई बाई लैम्डा इन टू एल, यानी लैम्डा बाई टू, है ना, इन टू ये वाला टू, बीटा एल बाई टू है ना, तो ये वाला टू, ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा। तो लैम्डा से लैम्डा काट दो, टू से टू काट दो, कॉस पाई कॉस थीटा डिवाइड बाई टू, यानी कॉस पाई बाई टू कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम कॉस पाई बाई टू कॉस थीटा माइनस, यहाँ पर देखो लैम्डा से लैम्डा काट दो, ये टू से टू काट दो, कॉस पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, जीरो, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, केवल यही बचेगा, डिवाइड बाई साइन थीटा एज इट इज नीचे आएगा ही, और जे 60
आई नॉट डिवाइड बाई आर, तो आई रहा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ई थीटा हो जाएगा इस पर्टिकुलर एंटीना के केस के लिए, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं पैटर्न फैक्टर। पैटर्न फैक्टर निकालने के लिए मैं इसके एम्पलीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ। पैटर्न फैक्टर मतलब नॉर्मलाइज्ड वैल्यू, नॉर्मलाइज वैल्यू में इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना था इसका, क्योंकि ये तो पूरा पूरा फेज था, थीटा पे डिपेंडेंट था, ये चीज़ थीटा से इंडिपेंडेंट है, इसको बोलते हैं फेज, ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इस एम्पलीट्यूड को से मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो अल्टीमेटली ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और मेरा क्या बचेगा, कॉस पाई बाई टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, ये बच जाएगा। अब अगर मैं इसका पैटर्न ड्रॉ करूँ, रेडिएशन पैटर्न, तो ये थ्री डायमेंशन में कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये लैम्डा बाई टू था, लैम्डा बाई टू के केस में जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू होती है 73 ओम। अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा। और अगर मैं इस ओरिजिन प्लेन से देखूं तो इस ओरिजिन से अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है तो हाफ पावर पॉइंट, ये फील्ड है इसका हाफ पॉइंट होगा यहाँ पे, है ना, इन दोनों को कट करूंगा तो ये एच पी बी डब्ल्यू मेरा मिल जाएगा। एच पी बी डब्ल्यू इज वॉट, 78 डिग्री और लैम्डा बाई टू एंटीना, ठीक है। सिमिलरली एक और केस देख लेते हैं जब एल की वैल्यू लैम्डा हो जाती है। अगर एल की वैल्यू लैम्डा है ना, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू को हम समराइज करके लिख सकते हैं कॉस पाई कॉस थीटा प्लस वन। वहाँ पाई बाई टू का टू से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा पाई, और कॉस पाई बाई टू जीरो आ रहा था लेकिन कॉस पाई माइनस वन आ जाएगा और माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस पाई कॉस थीटा प्लस वन डिवाइड बाई साइन थीटा। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और इस केस में आप देख सकते हो अलॉन्ग दिस एक्सिस मैं एच पी बी डब्ल्यू वाले पॉइंट निकाल लूंगा तो ये मेरी जो हाफ पावर पॉइंट्स वाले पॉइंट आएंगे ये आएगा मेरा 47 डिग्री। तो आप देख सकते हो अगर मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ तो मेरी हाफ पावर बीम विड्थ कम हो रही है, और आप देख सकते हो कि ये जो इसकी इसकी जो विड्थ है ना, ये थोड़ा पतला हो गया। पिछला वाला केस जब लैम्डा बाई टू ले रहा था थोड़ा सा बड़ा था वो, थोड़ा बड़ा था, ठीक है, लेकिन ये छोटा हो गया, इसकी विड्थ बीम विड्थ मेरी कम हो गई। तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में मेरी डायरेक्टिविटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई टू एंटीना की। तो ये जो इमेज है ये मैंने जे डी क्रॉस जो बुक है एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन की वहाँ से ली है, वहाँ पर आप इसकी थ्योरी और इसके एक्सप्रेशन को देख सकते हो, ठीक है। बार बार ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी और लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं शॉर्ट में आप चीज़ आपको ये चीज़ बता देता हूँ। हम रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं डायपोल के केस में आपको बता चुका हूँ, है ना, हमने ई फील्ड और एच फील्ड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसको पावर डेंसिटी उसको इंटीग्रेट कर दिया ओवर द एरिया, ठीक है, और ओवर द सरफेस एरिया, है ना, 0 to 2 पाई, 0 to पाई डी थीटा डी फाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, उसको आई स्क्वायर आर से कंपेयर करा एवरेज सेंस में। सपोज अगर आई नॉट आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई रूट टू है तो वहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो आई नॉट स्क्वायर आर नॉट डिवाइड बाई टू आ जाएगा ये वाली वैल्यू, इससे कंपेयर कर देंगे तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और आर नॉट की वैल्यू में वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो वही सेम चीज़ मुझे करनी है। ई थीटा मेरा क्या था, कॉस बीटा एल बाई टू कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा एल बाई टू डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। जब मैं इसकी उसी एच थीटा से एच फाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी एच फाई कितना था, कॉस बीटा एल बाई टू कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा एल बाई टू डिवाइड बाई साइन थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और एक साइन थीटा का भी स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, तो उस वाले साइन थीटा से एक ये वाला साइन थीटा कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लगा रखा, ठीक है। इंटीग्रेट करूँ और ये जो कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू 15 I² डिवाइड बाई पाई हो जाएगी, ये आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके सिंपल, ठीक है। अब मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा 0 से 2 पाई फाई के लिए, 0 से पाई थीटा के लिए, तो मैं फाई वाला इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकता हूँ और 2 पाई से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि फाई का कोई भी फंक्शन नहीं है यहाँ पे, इसलिए तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा और 15 × 2 दैट मीन्स 30 बन जाएगा, 30 I² ठीक। अब मैं इसको कंपेयर कर दूंगा, जब मैं कंपेयर करूंगा तो अगर आई नॉट स्क्वायर बाई टू इंटू आर नॉट से कंपेयर करूँ, है ना, तो आई नॉट स्क्वायर बाई टू इंटू आर नॉट ये डिवाइड बाई टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। आई नॉट स्क्वायर से आई नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर नॉट की वैल्यू क्या बचेगी, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इंटू 60। तो अब मेरा मेन टास्क क्या है, मेरा मेन टास्क ये है कि मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाऊँ। आर नॉट इक्वल्स टू 60 जीरो टू पाई कॉस बीटा एल बाई टू कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा एल बाई टू डिवाइड हुआ होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो
जो इक्वेशन सभी लिखी थी, इन इक्वेशन को साइन इंटीग्रल यानी साई ऑफ एस आई ऑफ एक्स, जिनको ऐसे लिखते हैं, और कोसाइन इंटीग्रल सी आई एन, कोसाइन इंटीग्रल सी आई एन ऑफ एक्स लिखते हैं। तो लैम्डा बाई टू के लिए हम इसको लिख सकते हैं आर आर जो वैल्यू है, ये काफ़ी लेंदी अप्रोच है साइन इंटीग्रल और कोसाइन इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वहाँ से, तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 30 इंटू साइन ऑफ 2 पाई, सी आई एन कोसाइन इंटीग्रल ऑफ 2 पाई, है ना। और इसकी वैल्यू चार्ट में कितनी होती है 2.44, सो दिस 30 मल्टीप्लाई विद 2.44 दैट मीन्स आपको 73 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और यही मेरा रेडिएशन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं कोई ना कोई टर्मिनल इम्पीडेंस इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, और उसमें कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है, ठीक है, इसको आगे लेटर चैप्टर्स में डिस्कस कर रखा है डिटेल में, क्योंकि ये एक्चुअल में ये लेंदी इंटीग्रेशंस हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, और इनके इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको हमेशा इनके एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे करते हैं और उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 73 प्लस जे 42.5, ठीक है। तो ये मेरा इम्पीडेंस हो जाएगा उस एंटेना का टर्मिनल इम्पीडेंस, जिसमें अगर मैं रेडिएशन रेजिस्टेंस देखूँ तो वो कितना है 73 ओम, ठीक है। तो ये 73 ओम मेरा रेडिएशन रेजिस्टेंस है उस लैम्डा बाई टू एंटेना का। अगर मैं यहाँ पर लैम्डा एंटेना की बात करता हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और फिर मुझे सी आई एन ऑफ 2 पाई या सी आई एन ऑफ पाई या 3 पाई जो भी वैल्यू आए उसको चार्ट से इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करके मल्टीप्लाई करके मैं उस पर्टिकुलर केस का रेडिएशन रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकता हूँ।